गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 16, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इसके कुछ पार्ट देखेंगे, पार्ट के सार में, पहले विद्यालय मंदिर के समान, आज की स्थिति और भारतीयों का प्रभाव, इन मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। ये पहले की समय की प्राचीन की बात को आते हैं, जो आज जो व्यवसाय हो गया है शिक्षा क्षेत्र में, वैसा पहले नहीं था। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। जो शिष्य है वो अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे उस समय। आज की स्थिति नंबर 2, आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यवसायिक सांस्कृतिक संस्कृति आ गई है। व्यवसायिक यानी बिजनेस हो गया है। शिक्षक वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। जो विद्यार्थी हैं, जो शिष्य हैं, उनको शुल्क यानी फीस देकर हमें एजुकेशन प्राप्त करना है, ये कहा गया है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है, यानी बिजनेस हो गया है, पेट पालने का साधन हो गया है। यानी नेक्स्ट, आज का लास्ट पॉइंट हम देखें, भारतीयों का स्वभाव। भारत के लोगों को अपनी या यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता है तब विदेशों में उनकी कदर की जाती है। भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्हें नाम कमा लिया गया। हमारे हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं है। यदि बाहर में जाते हैं, वहाँ सम्मान मिलता है, तब हमारे भारतीयों क्या खुलती है कि ओ, इसने तो नाम कमा लिया, एक अच्छा व्यक्ति था, गुड पर्सन था, ऐसी बातें। नोबल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान करने लगे। नाट्य, भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने लगे। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने के समान है। पर वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना कर रहा है। यानी बाहर के लोग भारत में आने के लिए एक प्रकार से तरस रहे हैं, जिसमें मैक्स मुलर एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट पॉइंट, पत्रकार को गामा पहलवान का उत्तर, ये प्रोग्राम हम देखें। सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा कि आइए लड़िए मेरे से। किसने कहा? गामा पहलवान ने। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए, अपने शिष्य हैं उनसे लड़कर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है और मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है। बहुत अच्छा कहा यहाँ पर कि आप शिष्य है, शिष्य तो है ही, पर वो मेरे बेटे से अधिक प्रिय है। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होंगे। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए, यानी मेरे से, गुरु से शिष्य ज़्यादा नाम कमाए, ऐसा गामा ने कहा। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, यानी ये बहुत बड़ी बात की गई। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे का जो पार्ट है हम कल देखेंगे। थैंक यू।